पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये देख रहे हैं आप, जिम मिलेगा आपको स्टार्ट के अंदर, ओपन रूप जिम है, जिम का 4000 रुपए का खर्चा आपको बचा देगा ये वाला जिम, और इसी के साथ इतना बढ़िया प्लेग्राउंड। और अभी अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा पार्किंग स्पॉट दिखाया था आपको हमने, कितना अमेजिंग स्पेस मिलने वाला है। चलिए अब चलते हैं फ्लैट की ओर। नमस्कार दोस्तों, बीआर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ वो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, डीडीए फ्लैट होने के बावजूद उसके अंदर इतना सारा काम हो रखा है। 2 BHK डीडीए फ्लैट अलॉटेड था, लेकिन उसको 3 बेडरूम और यू कैन से 2 बेडरूम + 1 स्टडी अलॉन्ग विद हॉल बना दिया गया है। 3 साइड बालकनी मिलने वाली है। इतना फैंटास्टिक फ्लैट है आपको मैं क्या बताऊं, बताने से ज्यादा मैं दिखाने में बिलीव करता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन उस फ्लैट को दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं सोसाइटी के अंदर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। सरकारी बिजली, सरकारी पानी लाइक यूजुअल, पार्किंग आपको मिलेगी, छोटे मोटे सामान के लिए ग्रोसरी स्टोर आपको 2 या 3 आपको विद इन सोसाइटी मिल जाएंगे, ओपन जिम, खेलने के लिए पार्क अलॉन्ग विद दिस लोकेशन जो होने वाली है सेक्टर 16 NLU लॉ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास, IP यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास और सेक्टर 13 और 14 नजदीकी मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं। इतनी प्रीमियम लोकेशन के ऊपर ये दोस्तों फ्लैट होगा हमारा। चलिए ज्यादा टाइम अब नहीं वेस्ट करता हूं, मैं आपको और पहले फ्लैट दिखाता हूं। बहुत अमेजिंग फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फ्लैट होने वाला है। दोस्तों जैसे आप स्टेयरकेस चढ़ेंगे ये हमारा स्टेयरकेस का स्पेस होने वाला है। आपने देखा कितना अच्छा साइज है, 3.5 फीट का हमको स्टेयरकेस मिलेगा। स्टेयरकेस से ऊपर आते ही हमारा अपर ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर पे हमारा फ्लैट होने वाला है। दोस्तों फ्लैट के अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो इस फ्लैट के अंदर जो काम हुआ हुआ है वो है। कहेंगे कि बाकी जो यूजुअल DDAs हैं उनसे डिफरेंट कैसे है ये फ्लैट, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले फॉर सिक्योरिटी एक एक्स्ट्रा डोर लगा रखा है, दैट टू इन स्टेनलेस स्टील, SS का गेट मिल रहा है आपको, किसी भी नॉर्मल DDA फ्लैट की तरह लोहे का गेट नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे आपको थ्रू आउट द फ्लैट डोर्स मिलेंगे उनके ऊपर आपको कितना बढ़िया अमेजिंग काम होके मिल रहा है और वुडन वर्क है सारे के सारे। जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारी एंट्री होगी लिविंग हॉल के अंदर। अगर लिविंग हॉल के साइज की बात करता हूँ दोस्तों तो हमें 10 फीट चौड़ा लिविंग हॉल मिलेगा और सुनिएगा ध्यान से 26 फीट 26 फीट लंबा आपको लिविंग हॉल मिल रहा है। हाँ जी, 26x10 का लिविंग हॉल मिल रहा है। एक्सेंट वॉल देख सकते हैं आप, कितने अच्छे कलर से पेंट हो रखी है अराउंड द टेक्सचर, ये आपको किसी भी नॉर्मल DDA फ्लैट के अंदर नहीं मिलेगा। ऊपर फैन लगे हुए मिल रहे हैं, छोटा सा डिजाइन बना रखा वॉल का रूफ के ऊपर आप देख सकते हैं। उसी के साथ लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स है हमारी, और फ्लोर पे अगर आप देखेंगे डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है अनलाइक स्टैंडर्ड DDA फ्लैट। अगर आप इस साइड देखते हैं तो हमारी ये होने वाली है दूसरी वॉल जो हमारी उसकी है लिविंग हॉल की। सो इस लिविंग हॉल के अगर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा वुडन वर्क के साथ आपको सारा काम मिल रहा है, अनलाइक किसी भी DDA फ्लैट लोहे की चौखट नहीं है, लकड़ी की चौखट के साथ आपको लकड़ी की विंडोज मिल रही है, जाली और शीशे की दोनों है। सिमिलरली हमारे पास ये डोर है जो बालकनी में हमारा जा रहा है, जाली का डोर है, दैट टू इन लकड़, और ये हमारा एक नॉर्मल डोर होने वाला है। उसी के बाद हमारी एंट्री होगी बालकनी के अंदर। सो दोस्तों ये हमारा बालकनी स्पेस, थोड़ा सा गंदा है, इग्नोर कर दीजिएगा, आपको साफ होके मिलेगा। ये हमारा इतना लंबा बालकनी स्पेस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर आप चाहें तो वॉशिंग मशीन सेट कर सकते हैं इधर, यहाँ ड्रेनेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा स्टोरेज मिल रहा है क्योंकि ये एल टाइप बालकनी है। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 साइड पर बालकनी मिलने वाली है, ये थी हमारी फर्स्ट बालकनी, सेकेंड बालकनी, थर्ड इज़ येट टू कम। हाँ जी, थर्ड इज़ येट टू कम, यहाँ पे आपको बहुत कुछ है इस फ्लैट के अंदर मिलने वाला है और मैं शायद बता भी ना पाऊँ, आप जब विजिट प्लान करेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि इस फ्लैट के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जैसे ही आप लिविंग हॉल से आगे आएंगे दोस्तों ये होने वाला है हमारा किचन। किचन का आप देख सकते हैं स्पेस एज यूजुअल किसी भी स्टैंडर्ड 2 BHK DDA के हिसाब पे बहुत अच्छा स्पेस है। आपको पता है स्टैंडर्ड स्पेस बहुत सफिशियंट होता है किसी भी किचन के लिए। यहाँ पर एम्पल अमाउंट में स्टोरेज है हमारे पास, कैबिनेट 1 2 3 4 इधर, 2 इधर 2 इधर और नीचे पूरा मॉड्यूलर किचन अलॉन्ग विद चिमनी। इसके बाद इस वाली वॉल के ऊपर भी कैबिनेट्स है हमारे पास, इतना क्या स्टोरेज है दोस्तों इस किचन के अंदर, इतना स्टोरेज मिलेगा आपको, आप सामान स्टोर कर करके थक जाएंगे लेकिन स्टोरेज खत्म नहीं होगा। वॉल टू वॉल टाइल्स मिलेंगी, गंदगी का अगेन कोई चांस नहीं है। फ्लोर के ऊपर भी आपको टाइल्स मिल रही है तो यहाँ पे भी गंदगी का कोई चांस नहीं है। किचन टॉप है आपका, वो आपका ग्रेनाइट मार्बल का टॉप मिलने वाला है, काफी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल होता है। एंड लास्ट हमारा वॉशिंग एरिया डेडिकेटेड एकदम लेफ्ट में है कॉर्नर में, RO आपको प्री इंस्टॉल मिल रहा है और चिमनी आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है। IGL की गैस लाइन,
हाँ जी दोस्तों, गैस लाइन आपको इस फ्लैट के अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं इसका आपको सिर्फ बिल पे करना है, जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। इज़न्ट इट गुड? पानी, बिजली और गैस तीनों सरकारी। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के लिए लगा रखा है, चिमनी के साथ हेल्प करता हुआ एग्जॉस्ट है और विंडो है। इतना सब कुछ इस फ्लैट के अंदर है और इतना सब कुछ इस किचन के अंदर है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक डीडीए फ्लैट के अंदर इतना सारा काम कैसे कराया हुआ है किसी ने। How can they do it? So, दोस्तों अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ वॉशरूम की, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत क्रूशियल पार्ट जो मैं बताना भूल गया था। इस फ्लैट के अंदर आपको एक लिविंग हॉल मिलेगा, तीन बेडरूम मिलेंगे। हाँ जी, तीन बेडरूम कह लीजिए या फिर दो बेडरूम और एक स्टडी हॉल कह लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। और एक किचन और दो वॉशरूम मिलने वाले हैं। सो हम पहले वॉशरूम की ओर चल रहे हैं, फिर उसी के बाद हम दूसरे वॉशरूम की ओर। सो दोस्तों सबसे पहले होने वाला है हमारा हैंड वॉश एरिया, ये सबसे छोटा हैंड वॉश एरिया है। यहाँ पे आपको टोटल तीन हैंड वॉश एरिया मिलेंगे, ये उनमें से सबसे पहला है, ये हैंड वॉश एरिया रहेगा और ये हमारा इंडियन स्टाइल एक कमोड रहेगा। और ये जो है ये एक एक्सटेंशन है वॉशरूम का आगे, जो मैं आपको अभी आगे की तरफ दिखाऊंगा, इसको अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले बेडरूम की ओर। सो दोस्तों ये होने वाला हमारा सबसे पहला बेडरूम, एक्शन वॉल पे फिर दोबारा टेक्सचर हो रखा है, पेंट हो रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, येलो कलर से पेंटेड वॉल्स है हमारी, ट्यूबलाइट और फैन आपको फ्री इंस्टॉल मिल रहा है। सो थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो आप इस दरवाजे पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्रू आउट दी फ्लैट आपको हर डोर के ऊपर काम हुआ मिलेगा, वुडन वर्क, कोई लैमिनेटेड डोर्स नहीं मिलेंगे। नीचे देखेंगे डिजिटल ब्यूटीफाइड टाइल्स मिल रही है हमें, और 10x10 का ये रूम मिलने वाला है, 10x10, सो बहुत अच्छा साइज है। इसी के साथ आपको स्टोरेज मिल रहा है अल्ट्रा के फॉर्म में, इसके बाद ऊपर भी हमारे पास एक स्टोरेज अवेलेबल है। सो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, और मैंने आपको बताया था कि इसी के अंदर दो बेडरूम होने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, अगर आप इसे कंसिडर करना चाहें तो बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी हॉल कंसिडर करना चाहें तो स्टडी हॉल कंसिडर कर सकते हैं, मंदिर रूम कंसिडर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू हाउ टू यूटिलाइज दिस स्पेस। सबसे पहले मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज मिल रही है, ठीक है, वॉल पे आपको टेक्सचर पेंट मिल रहा है। पूरे फ्लैट के अंदर इतना प्रीमियम काम हो रखा है, हर एक वॉल के ऊपर जहां जहां पे जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल रूम के अंदर आपको एक्सेंट वॉल टेक्सचर पेंट के साथ आपको मिलेगी। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको सुनने में लग रही होंगी कि कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन डीडीए के अंदर अगर आप देखते हैं, एक सोसाइटी फ्लैट के अंदर अगर आप देखते हैं, तो ये सारे बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और ये इस रूम के अंदर इतना बड़ा आपको स्पेस मिलेगा, विंडो, इट्स एन ओपन विंडो, ये सारा कर्टन लगे हुए मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, इट्स ओपन स्पेस, ये सारा का सारा आप विंडो खोल सकते हैं और धूप को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको एंजॉय करना है। जैसे ही आप यहाँ से एग्जिट लेंगे सो आप दोबारा लिविंग हॉल के अंदर आ जाएंगे। हमने पहले रूम में एंट्री ली थी लिविंग हॉल से, एक दूसरे रूम से एग्जिट ली है लिविंग हॉल से, और ये दोनों के दोनों रूम आपस में इंटरलिंक्ड थे। उसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड रूम की ओर। सो दोस्तों ये होने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम, सेम टेक्सचर्ड वॉल, एक्सेंट वॉल हमारी, फ्लोर के ऊपर आपको टाइल्स मिल रही है डिजिटल ब्यूटीफाइड टाइल्स। एरिया की बात करता हूँ, 10x14 का आपको रूम मिल रहा है, 10x14 याद रखिएगा दोस्तों कितना अमेजिंग साइज है। कबर्ड आपके पास है, इसके अंदर भी दो रूम्स हैं, दोनों के अंदर कबर्ड्स मिल रहे हैं हमें, फैन प्री इंस्टॉल्ड, ट्यूबलाइट प्री इंस्टॉल्ड, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर ऑल दिस। और दोस्तों ये है हमारा और मेरा पर्सनल फेवरेट तीसरा बालकनी स्पेस, हाँ जी थर्ड बालकनी स्पेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, गंदगी को फिर मैं आपको बोलूंगा अवॉइड कीजिएगा, आपको साफ होके मिलेगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों साइड बालकनी का जो रोड है 40 फीट चौड़ा, दोनों साइड आपको रोड मिल रहा है, एक भी साइड आपको रोड की विड्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसी के बाद अगर आप यहाँ आएंगे दोस्तों तो ये होने वाला है हमारा वॉशरूम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरलिंक वॉशरूम है, वहीं से वेस्टर्न स्टाइल का बोर्ड मिलेगा आपको, इंडियन उधर था वेस्टर्न इधर है, हैंड वॉश एरिया और डेडिकेटेड बेदिंग एरिया हमारा ये है, और एक और बेदिंग एरिया है उस साइड पे जो एक्सटेंडेड था। दोस्तों काफी इंटरलिंक कर करके इसको स्पेस को मैक्सिमाइज किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा भूल भुलैया सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एक और डेडिकेटेड बेदिंग एरिया, हैंड वॉश एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइज आपको अब अच्छे मिल रहे हैं, प्री इंस्टॉल्ड गीजर मिल रहा है आपको, और जब आप यहां से एग्जिट करेंगे आप दोबारा लिविंग हॉल में आ जाएंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्लान, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इस प्लान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नोट डाउन करके आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्लान रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सके। अगर आपके पास सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को कहिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी पता लगता रहे दिल्ली के अंदर कौन कौन से नए फ्लैट्स फॉर रेंट फॉर सेल अवेलेबल है। अगर उनको भी कुछ फ्यूचर में प्लान करना है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।